और कानपुर में जो हिंसा हुई है उससे जुड़ी अपडेट यह है कि अब उसकी जांच ईडी भी करेगी। मास्टरमाइंड के बैंक खातों की जांच करेगी ईडी। आज कानपुर पहुंच सकती है ईडी की टीम और आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कानपुर हिंसा को लेकर हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। कानपुर की नई सड़क पर हुई हिंसा में करोड़ों के लेन देन की बात सामने आई है, जिसके बाद अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। आज ईडी की टीम मामले की जांच के लिए कानपुर आ सकती है। ईडी ने पुलिस से आरोपियों के बैंक खातों की डिटेल मांगी है। अब ईडी कानपुर हिंसा के चारों आरोपियों के बैंक खातों को खंगालेगी और गड़बड़ी मिलने पर ईडी अलग से केस दर्ज करके जाँच आगे बढ़ाएगी। वहीं हिंसा के चारों आरोपियों की 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरोपियों की पेशी हुई, जहां पुलिस ने उनकी 14 दिन की रिमांड मांगी थी। हिंसा के मुख्य आरोपी जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष जफर हयात हाशमी, जावेद अहमद, मोहम्मद सूफियान और मोहम्मद राहिल को लखनऊ से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पुलिस आरोपियों से हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियारों को लेकर भी पूछताछ करेगी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।